2021 में भी कोई ऐसे फिल्म बनाता है क्या? आई मीन आई वॉजन एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम जॉन अब्राहम यार, इज लाइक एन एक्शन हीरो, वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड सच अ बुलशिट फिल्म फ्रॉम हिम। तो फिल्म के स्टार्ट होने पर ही जॉन 10-15 डायलॉग चिपका रहता है और फिल्म की माँ बहन एक कर देता है और सिनेमा लविंग जनरेशन इज लाइक अबे बस कर, करण अर्जुन की माँ की तीसरी औलाद और कितना पकाएगा। इसके बाद जॉन की वाइफ बनकर ये एक्ट्रेस इतनी बुरी एक्टिंग करती है कि मुझे 1970s के ड्रामे याद आ जाते हैं एंड द ऑडियंस इज लाइक अबे बस कर यार, ये सब हो चुका है फिल्मों में। एंड देन यूजुअली हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे को तसल्ली देने वाला सीन या छी, और फिर आता है अंधेरी तूफानी रातों में, अबे शहनशाह की छठी औलाद कुछ तो नया कर, और इस बेचारी को तो औलाद का गम बर्दाश्त करने के लिए ही रखा हुआ है फिल्म में। पार्ट 1 में मुस्लिम लड़के की मुस्लिम माँ बनी थी और भी हिंदू लड़की की हिंदू माँ बनी है। अरे यार डायरेक्टर साहब शर्म नहीं आती? इस लड़की को गौर से देख लो, यहाँ पे डॉक्टर का रोल कर रही है, बाद में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये पिछले पार्ट में बेटे के लिए और अभी बेटी के लिए रो रो कर ऑस्कर लेने की तैयारी कर रही है। मेरे करण अर्जुन आएंगे। सीन के बाद शहनशाह बनकर जॉन फिर से आता है और हड़ताल करने वाले डॉक्टर की माँ बहन ये कर देता है और उसको खूब मार मार कर उसी हॉस्पिटल लेकर वापस चला जाता है। और यहाँ पर गार्ड की शक्ल देखो यार, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। नहीं मतलब एक 6 फुटे इंसान शहनशाह बनकर एक जख्मी आदमी को कंधे पर उठा के ले आ रहा है, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा इसको देखकर? मतलब कुछ भी, इतने दबंग लुकिंग इंस्पेक्टर कैरेक्टर को नेगेटिवली पेश किया है, अफसोस। और इस कमीने को तो देखकर ही मुझे पता लग गया था कि यार यही सबसे बड़ा कमीना है और यही विलन है, दैट्स इट। तो वही सेम ओल्ड स्टोरीज 80s एंड 90s के फिल्मों में जैसा होता था, अच्छा वाला बंदा क्लाइमैक्स में विलन होता। और इस स्ट्रीट टपोरी को तो देखकर यार मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मतलब पुलिस से इतना भी डर नहीं। अरे कमोहन यार, पुलिस है वो, उसके पास गन होती है भाई, थोड़ी सी तो डर डर के मार खा लो। और फिर जॉन शर्ट निकाल लेता है और फिर वही लड़की जिसका रेप हो रहा होता है वो लाइक सोचती है कि क्या माल है यार ऐसी बॉडी। और अबे सांड, यहाँ भी तू लड़की की इज्जत बचाने आया था या कॉमेडी करके अपनी बॉडी शो ऑफ करने आया था? अब यहाँ पे देश का नेशनल एंथम शुरू हो जाता है और ये कमीना नंगा का नंगा ही खड़ा रहता है। अबे शर्ट पहन, चुप कर भोसड़ी के। अब इसको देख लो यार, स्टंट छोड़ के अब कैमरे की तरफ देख रहे हैं। यही होता है जब सस्ते एक्टरों को लाया जाता है। इधर जॉन सोच रहा है यार बाइक तो मैं पहले भी उठा चुका हूँ, इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। अरे बाप रे, ये हुई ना बात। लेकिन अभी यहाँ पे स्टंट वाले को देख लो, कितने आराम से पुरसुकून होकर बैठ रहा है बाइक पे। अरे गिरने वाली एक्टिंग ही कर लो। बद्रीनाथ की दुल्हन में इस बंदे को देखकर मैंने सोचा इसका फ्यूचर ब्राइट है, इसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी है, लेकिन इस फिल्म को साइन करने के बाद ये तो गया दाता साहब। पूरी फिल्म में मुझे बस ये कैरेक्टर थोड़ी सी अच्छी लगी थी, लेकिन हॉस्पिटल वाली सीन में आकर इसका भी कबाड़ा बन गया। मतलब पेशेंट को अच्छी सिर्फ ब्लड ड्रिप लगी है, लेकिन यहाँ पे जॉन एक हाथ से लड़ने का मुजाहिरा करते हुए मर्दानगी साबित करना चाहता है, जो कि साबित भी नहीं कर पाता और ढेर हो जाता है। और दो बंदा जॉन से मार खा रहा होता है, हर बंदे ने सेम कलर का गमछा मुंह पे रखा होता है, लगता है बजट की कमी थी इसलिए हर बंदे ने सेम गमछा यूज किया है। फिल्म में ऑडियंस बोर ना होने लगे इसलिए डायरेक्टर ने ये भी सोच लिया कि क्यों ना भाभी देवर का थोड़ा सा रोमांस का तड़का लगाया जाए। अब अनजाने में ही सही, लेकिन भाभी अच्छे खासे देवर को किस कर देती है, तौबा तौबा तौबा। तो फाइनली जिस डॉक्टर के बारे में आपसे बात करनी थी वो ये है, डॉक्टर का कैरेक्टर देखकर स्क्रीन पर लाया गया और उसके बाद इसको रेप विक्टिम बनाकर फिल्म के क्लाइमैक्स में तड़का डालने की कोशिश की गई है। अरे भाई कोई और लड़की नहीं मिली क्या रेप करवाने के लिए? जा पूछ क्या। और फिल्म के क्लाइमैक्स में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं करण अर्जुन देख रहा हूँ और उसके बाद 10 साल बाद और पीछे जाके मर्द फिल्म देख रहा हूँ, माशेरो वाली। अरे भाई मारो मुझे, नहीं मारो मारो, मतलब क्या मजाक हो रहा है? अरे भाई माँ तुम्हारे पास खड़ी है और तुम्हारी माँ को बचाने के लिए वो तुम दोनों को लड़वाना चाह रहा है, तो तुम दोनों आपस में लड़ने की बजाय माँ को बचा लो ना, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म तो जॉन के ताकत पे बनी है कि जॉन इतना ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे तो दो है यार, दो जॉन, मतलब एक माँ को नहीं बचा पा रहे। अरे हराम हो, अपनी माँ बेचारी को कब से टाइटैनिक के पोज में खड़ा कर रखा है? इंडिया की बेकार एक्ट्रेस हथियार भी लेकर आ गई तो क्या? अरे भाई गन लेकर आओ। और इस वाले सीन में तो उसने हद ही कर दी, ऐसे ओवर एक्टिंग कर रही है जैसे इसने माँ को इस हालत में पहली बार देखा हो, जबकि ये हथियार लेकर आ रही थी तो इसी वक्त इसने माँ को देख लिया था। वाह। एंड फाइनली हेलीकॉप्टर सीन, तो दोनों भाई लटक जाते हैं हेलीकॉप्टर को नीचे लाने के लिए, लेकिन जब दोनों के पैर जमीन से ऊपर रहते हैं, इन दोनों का फोर्स कैसे लग रहा है हेलीकॉप्टर को नीचे लाने के लिए? ओ अच्छा, तो मरी हुई आत्मा प्रकट हो जाती है। दादा साहेब, करण अर्जुन के अब्बा आप आ गए। और इस एक पिक्चर में 10 गलतियां, शर्ट कलर चेंज है, बाकी जख्म सारे जैसे। पूरी फिल्म में जितनी भी फाइट सीन्स हैं उन सब में पब्लिक बस दूर से देखकर जॉन की फाइट सीन्स देख रहे होते हैं, जबकि करीब नहीं आते होते। और इस लास्ट सीन में सारी पब्लिक एक जगह इकट्ठे होकर एक निहत्ते बंदे को मारती है। मैं वापस आऊंगा, सुनिए साथ में अदरक लेते आइएगा, खत्म हो गया है। और लास्ट में इस वाले डायरेक्टर पर 200 किलोग्राम लानत। 2018 में सत्यमेव जयती वॉज ऑन अ लेवल, क्या जबरदस्त पिक्चर बनाई थी। और ये सत्यमेव जयती 2, आई मीन बकवास है यार, फुल टू फटा बकवास। मतलब फिल्म में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके बारे में थोड़ी सी भी तारीफ की जा सके यार।
70s की फिल्में भी इससे ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। मतलब इतने चीप डायलॉग्स, पूरी की पूरी फिल्म इतनी बकवास। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।